हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, हम बात करने वाले हैं यूपी TSSC मुख्य सेवका भर्ती के बारे में। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण खबर बता दें, क्योंकि इस चीज़ को लेकर आप लोग ज़्यादा कहीं ना कहीं सपोर्ट भी नहीं दिखा रहे हो। और मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी मुख्य सेवका भर्ती से रिलेटेड, अगर इस भर्ती को जल्दी करवाना है। ठीक है, तो आज है 26 नवंबर, और 26 नवंबर को हम ट्विटर कैंपेन करने जा रहे हैं। और सभी सभी को पता है कि सुबह 11 बजे से करने जा रहे हैं। ठीक है, और हमें ये हैशटैग यूज करना है। ठीक है, जितना हो सके हमें प्रयास करना है, जिससे कि हालांकि ट्रेंडिंग में तो नहीं आ पाएगा क्योंकि बच्चों की संख्या कम है, फिर भी आपको बता दूँ, आप जितने भी CM ऑफिस और जितने भी मंत्री वगैरह हैं उन्हें टैग कर देना, क्योंकि इससे क्या है, अगर हम ट्विटर कैंपेन कर लेंगे तो कहीं ना कहीं इससे भी फ़र्क पड़ने वाला है। फिर भी अभी आपको बता दूं, देखो ये चीज़ को लेकर आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो इसमें सपोर्ट दिखाओ। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे और कम्युनिटी के माध्यम से हम डाल भी देंगे। ठीक है, जब 11 बजे से स्टार्ट होगा हम डालते रहेंगे कितने ट्वीट वगैरह होगा कम्युनिटी पर, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब इससे आप सभी को पता है, और इस वीडियो को शेयर भी कर दो, अभी समय है जब तक ये वीडियो अपलोड होगी, और शायद कुछ लोग शाम को भी देख रहे होंगे। मगर मैं आपको बता दूं, इसमें लोग अभी हालांकि सभी को पता भी चल गया होगा, मगर ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, तो इसमें आप सपोर्ट करो। अब हम बात करने वाले हैं इसकी फाइनल आंसर की को लेकर, जैसा कि आप सभी लोग परेशान हो कि आखिर फाइनल आंसर की कब तक रिलीज की जाएगी। ठीक है, और देखो मैं आपको बता दूं, फाइनल आंसर की को लेकर अब चीज़ें बिल्कुल तरीका से क्लियर हो रही हैं, और इसकी जो फाइनल आंसर की जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। यहाँ पर अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है फाइनल आंसर की को लेकर, जो भी बच्चे परेशान हैं। और देखो उम्मीद है कि इसके लास्ट तक भी हो जाए, अन्यथा पर ये दिसंबर में तो आपको पता है स्टार्टिंग में 100% कर दी जाएगी, क्योंकि जो DB प्रोग्राम है अभी जो चर्चाएँ चल रही हैं वो थर्ड या फोर्थ वीक में आना है। तो ये उम्मीद है कि आपकी जो फाइनल आंसर की अगर नवंबर में नहीं आ पाती तो फर्स्ट वीक में ही रिलीज़ की जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, मगर फिर भी आपको बता दूं, अगर जल्दी करवाना है तो ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा, तो मैंने आपको ये बता दिया। और मैं आप सभी को बता दूं, अगर ये चुनाव के बाद भर्ती चली गई तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर आसानी से यहाँ पर चाहे लेखपाल की भर्ती हो, चाहे BDO की भर्ती हो, चाहे मुख्य सेवका की भर्ती हो, अगर ये चुनाव के बाद भर्ती जाती है तो फिर इतनी जल्दी यहाँ पर कम्पीट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए बता रहा हूँ, सभी लोग जी जान लगा दो, और आज हम ट्विटर कैंपेन भी करने जा रहे हैं उसमें सपोर्ट करो, और फिर 4 तारीख को हम आयोग भी जा रहे हैं। ठीक है, जिससे कि क्या है, यहाँ पर कहीं ना कहीं इस भर्ती को प्रायोरिटी दिखे। आपको बता दूँ, BDO वाले बच्चे, लेखपाल बच्चे सभी प्रयास कर रहे हैं जिससे कि ये भर्ती चुनाव से पहले कम्पीट हो जाए, और सभी को पता है कि अगर चुनाव से पहले कम्पीट भर्ती हो जाती तो सही है, अगर चुनाव के बाद भर्ती जाती है तो यहाँ पर फिर ज़्यादा समय लगने वाला है, ये निश्चिंत है। ठीक है, इसमें हम L लगाना भूल गए, ठीक है, आप लोग L लगा लेना, ठीक है, रिजल्ट में। ठीक है, इसमें मिस्टेक हो गई है, ठीक है, इसमें मिस्टेक हो गई है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम वीडियो को यहीं रखते हैं, बस यही बताना था। देखो फाइनल आंसर की को लेकर ज़्यादा परेशान मत हो, हमें सिर्फ रिजल्ट जल्दी लाना है, मगर जो भी चीज़ें चल रही हैं आयोग में, अभी रिजल्ट को भी लेकर चीज़ें चल रही, थर्ड या फोर्थ वीक में कर देंगे, मगर फिर भी आपको बता दूँ, हमें अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है, क्योंकि इस भर्ती को कोई ऐसा नहीं करना कि 2025 और 2026 में जाके पूरी हो। और आपको बता दूँ, कुछ भर्तियाँ UPSSC की हैं 2016-16 से अभी इनके रिजल्ट नहीं आए, तो इसलिए बता रहे हैं, आप लोग पूरी तरीका से सपोर्ट करो जिनके अच्छे खासे नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, और सुबह 11 बजे से लग जाओ, और ये वीडियो शायद आपको उससे पहले ही देखने को मिलेगी। धन्यवाद।